नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मुंबई दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंबई में 3 जनसभाओं को संबोधित करते पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे। मुंबई में इस दौरान उनकी 3 जनसभाएं रखी गई हैं। 3 जनसभाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित करते नजर आएंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर सामने। मुंबई दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में ये जनसभाएं रखी गई हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो मुंबई दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मुंबई में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले मुंबई दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मुंबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी की 3 जनसभाएं रखी गई हैं, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं, जहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर हैं, जहां पर 3 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मुंबई दौरा प्रस्तावित है, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करते पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। दुनिया भर में हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, इसी को लेकर आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ममता, स्नेह, त्याग, धैर्य एवं करुणा की प्रतिमूर्ति देश एवं प्रदेश की समस्त माताओं को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माता शिशु की प्रथम शिक्षक है। संस्कार और विचार सर्वप्रथम माता से ही शिशु में पल्लवित होते हैं। मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उनके लिए नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना समेत कई योजनाएं संचालित की जा रही है। भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे विधि विधान से खोल दिए गए हैं। सेना के बैंड की धुन और भगवान बद्री विशाल के जयकारों के बीच मंदिर के कपाट खोले गए। अब अगले 6 महीने तक भक्त बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। अब भगवान बद्री विशाल जी के भी आज कपाट खुल गए हैं और सभी श्रद्धालुओं का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए और यात्रा के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करें। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाएं। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुँच रहे हैं, मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम हैं, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत से देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है
और बहुत ही अद्भुत है। पाठ खुल गया, मूर्ति सरसब जी चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लवा लवे जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें आज, मूर्तियां सुंदर मिली हैं, सुंदर। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या हो सकती है। भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन धान्य रहे। पिछले 15 सालों से मैं लगातार भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जब भी कपाट खुलते हैं तो ये परम सौभाग्य हमारा कि हमें यह दर्शन का मौका मिलता है। भगवान बद्री विशाल देश में कृपा बनाए रखें और सब लोग खुशहाल रहें, यही हमने यहाँ भगवान बद्री विशाल से कामना की है। प्रदेश में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। बीते 2 दिन से केदारनाथ समेत गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धाम गुलजार हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में देश विदेश से रिकॉर्ड संख्या में 69,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर केदारनाथ यात्रा मार्ग पर प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसमें पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर 100 से अधिक CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। साथ ही चार धाम यात्रा मार्ग में पहला पड़ाव पुरोला विधानसभा पड़ता है, जिस पर पुरोला विधानसभा के विधायक दुर्गेश्वर लाल ने चार धाम यात्रा के अंतर्गत चलने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब श्रद्धालु पुरोला में पहुंचेंगे तो उन्हें विशेष सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी विधानसभा से जो चार धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव है, हमने जिलाधिकारी और अन्य जितने भी विभागीय लोग हैं, चाहे आपका खाद्य पूर्ति हो, आपका चाहे ट्रांसपोर्टेशन वाले हों, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था से आपके पुलिस डिपार्टमेंट हो, सभी लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को मुस्तैद कर रखा है और मैं खुद जो है उस क्षेत्र से वाकिफ हूँ और आने जाने मेरा जो आना जाना लगा रहता है, हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चीज़ों को हम और अच्छा करेंगे, जिससे कि वहाँ पे जो लोगों को कोई समस्याएं ना हो, ठीक है, और उसके बावजूद भी कोई छोटी मोटी चीजें रहती हैं तो उसका समाधान करेंगे। यमुनोत्री यात्रा रूट पर यातायात व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाल ली है। दरअसल ट्रैफिक के व्यवस्थित संचालन तथा जाम से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद सड़कों पर दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने सड़क पर लगे जाम को बड़ी कुशलता से हटाया। वहीं पुलिस की इस व्यवस्था पर यात्रियों ने भी पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ की। हम 65 यात्री आए हैं और यहाँ पर व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी पुलिस प्रशासन सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं सब। यमुनोत्री में बहुत यात्री हैं और बहुत यात्री आ रहे हैं, बहुत भीड़ है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर पुलिस द्वारा बेहतरीन व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। यातायात व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं। इसी बीच SP ने खुद कमान संभाल ली है और यात्रियों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए SP खुद कमान संभालते नजर आए और यातायात को दुरुस्त रखने में लगातार अपना सहयोग देते नजर आए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे यमुनोत्री धाम पर ट्रैफिक संचालन के लिए SP ने खुद कमान संभाली है, किस तरीके से ट्रैफिक संचालन यमुनोत्री धाम मार्ग पर देखा जा रहा है बताएं। जी अमन, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ ही आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो तमाम सारी जो तैयारियां थी उसे पूरा करने का काम किया गया था। खुद अगर तमाम जिलों की बात की जाए जहां पर यात्राएं चल रही हैं, वहां के पुलिस जो अधिकारी आला अधिकारी हैं वह खुद यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी, जिसको देखते हुए चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, जल आपूर्ति की बात की जाए या फिर यात्रियों की रहने और ठहरने की व्यवस्था की बात की जाए, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को
दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही उत्तराखंड में अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं जो तमाम जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे देश की बात की जाए या फिर विदेशों की बात की जाए, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड की तरफ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या आला अधिकारियों की बात की जाए, खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम लोग मौजूद हैं। और जिस तरीके से हम अभी देख भी रहे थे, यात्रियों से सुनने में आ रहा था कि जो पुलिस की व्यवस्था है वह पूरी तरीके से दुरुस्त है, तो सबसे बड़ी बात है कि जो यात्री आ रहे हैं वह एक उत्तराखंड का मैसेज लेकर जरूर जा रहे हैं वहां पे कि जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके की हैं। और कहीं ना कहीं यात्रियों ने खुद कह दिया है कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे यात्रा कराने की बात हो या फिर दर्शन की बात हो या यातायात व्यवस्था संभालने की बात हो, तो पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है। साथ ही उत्तराखंड में जब यात्रा चल रही है तो तमाम जो विभाग हैं, सिंचाई विभाग की बात की जाए, पेयजल विभाग की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, सभी को चाक चौबंद करने का काम किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो लोग चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं वो अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है उस प्रक्रिया को पूरा करने का काम करें, और क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड में जो हुजूम सा एक उमड़ पड़ा है, तमाम जो यात्री श्रद्धालु हैं उत्तराखंड की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए, मौसम की जानकारी लेकर आए, ऐसी तमाम जो चीजें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई हैं, उसे पूरी तरीके से पूरा करके तब उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उसे करने का काम करें। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अभी तक दुरुस्त पाई गई हैं, यात्रियों से साफ तौर पर सुनने में आ रहा है कि जो वहां पे पुलिस प्रशासन है या फिर अन्य व्यवस्थाएं हैं वह पूरी तरीके से दुरुस्त है। अब यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला है, क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के भी जो कपाट हैं वह खुल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो यात्रा है और तेजी से और बढ़ने का काम करेगी, और जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वह उत्तराखंड की तरफ रुख करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा सुनने में आ रहा था कई जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देशित किया था कि तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग है, वो अपनी अपनी तैयारियों को पूरा करने का काम करें, और जिसका नतीजा है कि खुद श्रद्धालु भी यात्रा करके संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी, यात्रा व्यवस्थाओं पर पूरी नजर रखी जा रही है। एसपी ने खुद कमान संभाल ली है। यमुनोत्री यात्रा रूट पर जब जाम लगा नजर आया तो एसपी ने खुद व्यवस्थाओं को संभाला। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शुक्ला जी तमाम जानकारी के लिए। यात्रियों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, ऐसे में पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना आवश्यक बताया है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिए उचित स्थान बताने को कहा है। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वे एक पोर्टल बनाएं जिसमें अधिवक्ताओं व जनसामान्य के लिए सुझाव लिए जाएं कि वे नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में हैं या नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि ये बड़ा फैसला है, ऐसे में सबसे विचार विमर्श के बाद ही इस पर फैसला होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कल जो है नैनीताल हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थापित करने के लिए जो है विस्तृत आदेश जारी किए और प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो बहुत जल्दी जो है ये चयन करके बताए कि कहाँ पर ये स्थानांतरित हो सकता है। प्रदेश सरकार को तय करना है कि वो कहाँ पर जो है हाईकोर्ट को स्थानांतरित करना चाहती है, और ऐसी जगह पर स्थानांतरित करे जहाँ पर गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के लोगों को सुविधा हो और किसी को भी जो है असुविधा ना हो, और भविष्य में अगर जो है हाईकोर्ट के विस्तारीकरण की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर इतनी भूमि उपलब्ध रहे क्योंकि भविष्य में दिक्कत ना आए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और बताया जा रहा है कि अभी जो है एक पोर्टल भी खोला जाएगा जिसमें जो है जनता के सुझाव भी इसमें लिए जाएंगे और व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता भी है क्योंकि हाईकोर्ट का मामला है, तमाम लोगों की दिक्कतों का समाधान होना है, तो जो है बहुत जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं होना चाहिए और सभी पक्षों से बात करके जो है सर्वसम्मत एक निर्णय हो जिसमें सबकी सहभागिता हो और प्रदेश का भी इसमें हित हो।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां निकाय चुनाव के साथ ही दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का बयान सामने आया है। उन्होंने दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी, आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग से मिला था और हमने उसी दिन मांग की थी कि इन्हीं लोकसभा के चरणों में जो है मंगलोर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाए, क्योंकि हमारी तैयारियां पहले से पूरी है। लोकसभा चुनाव में भी हमने जो है चुनाव की तैयारी की है और फिर से हमने जो है बूथों की समीक्षा की है, संगठन को वहां पर जो है चुस्त दुरुस्त किया है और दोनों विधानसभा सीटों में कांग्रेस जो है प्रथम बहुमत से जीतने की स्थिति में है। अब हम तो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अब माननीय निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान करे और जब भी तारीखों का ऐलान होगा कांग्रेस पार्टी आप देखिए पूरी मुस्तैदी से इस चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी अशोक सेमवाल ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनावों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में निकाय चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ती नजर आएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो है कंटिन्यू दिन में 8 घंटा जो है पब्लिक के बीच मीटिंग कर रहे हैं और लगातार जो है कैंडिडेटों की जो है अब वो शुरुआत हो जाएगा फ्रंट में आना, मीटिंग शुरू करना लगातार। अभी बल्कि पिछले हफ्ते आए थे तो उन्होंने जो है यहाँ पर भी कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो है मीटिंग की और हमारा जो है एक वार्ड कैंडिडेट जो बनने जा रहे हैं कासिम करके, उन्होंने जो है बहुत अच्छी मीटिंग वहां पर मतलब एक वार्ड में जो है 250 लोगों की मीटिंग की। आज भी जो है शायद शाम तक जो है प्रोग्राम है, अगर अध्यक्ष जी पहुंच जाते हैं तो आज भी जो है मीटिंग है वार्डों में, लगातार हमारे वार्डों में मीटिंग हमने शुरू कर दी है और बहुत जल्दी जो है पूरे उत्तराखंड में सारे वार्डों में, चाहे वो नगर निकाय से संबंधित, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, आम आदमी पार्टी बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और इसमें हमने जो है पूरे जो है युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश को जल्द ही पहला मॉडल मदरसा मिलेगा। मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों का सिलेबस होगा। वही मॉडल मदरसों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के सिलेबस के साथ पढ़ाई कराई जाएगी। मॉडल मदरसों में एक्स आर्मी मैन अपनी सेवाएं दे सकेंगे। वहीं छात्रों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित शिक्षा दी जाएगी। मदरसों में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत से सुबह की शुरुआत होगी। मदरसों के एक जो सोच थी उस सोच को बदलने का कार्य करेगा। मदरसा एक अरबिक शब्द होता है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। तो अब हमारे मॉडर्न मदरसे में एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और इन मॉडर्न मदरसों में अब सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बच्चे फर्नीचर में मॉडर्न मदरसे में ऊपर बैठ के पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने प्लान किया था कि अब इन मॉडर्न मदरसों की कमान फौज के हाथ में होगी, यानी कि जो फिजिकल ट्रेनर होंगे वो इन मॉडर्न मदरसों में अपनी सेवाएं देंगे और वो एक्स आर्मी पर्सन होंगे। तो आते ही राष्ट्रवादी विचारधारा को बचपन से ही बच्चों के अंदर उसे कूट कूट के भरना, ये जिम्मेदारी भी उनकी होगी। सुबह सुबह तमाम इन मॉडर्न मदरसों में राष्ट्रगान से प्रारंभ किया जाएगा और मुझे उम्मीद है एक नई सोच में विचार के साथ ही मॉडर्न मदरसे तैयार होंगे। खटीमा में पुलिस की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत लोगों को नशे को लेकर जागरूक किया जा रहा है, साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर भी सचेत किया जा रहा है। ड्रग फ्री देवभूमि जो मिशन है उसके दृष्टिगत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया 2 महीने, इसमें लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूकता के संबंध में अवगत कराया जा रहा है, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। यह अभियान लगातार 2 महीने तक चलता रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।